बावलोग एपिसोड 8 जादुई पिटारा था, बहुत सी हिडन डिटेल कैरी करता है। इसी के साथ एंडिंग भी बड़ी शानदार है। अभी बात करते हैं बिना टाइम खोटी करे, क्योंकि इस एपिसोड में सीजन 2 की अनसोल्ड थ्योरी का भी हार्डली मेंशन हुआ है। देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है सारे क्ल्यूज एंड थ्योरीज पर बात करके। तो बाबा स्पॉयलर अलर्ट, क्योंकि ये वीडियो जाने अनजाने में स्पॉयलर कंटेन कर सकती है। बाकी सपोर्ट बनाए रखो एंड हेल्प मी टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर एंड ऑफ दिस ईयर। तो शुरुआत करते हैं, बात करेंगे एपिसोड 8 के 3 स्टोरी एंगल पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूली के पार्ट पर, विक्टर टेविथा एंड सारा के पार्ट पर, एंड अपनी एंडिंग जो फातिमा एंड एलजिन के साथ हुई है उस वाले पार्ट पर। शुरुआत करते हैं पहले एंडिंग के पार्ट से, जो बड़ी शानदार एंडिंग देखने को मिली है फातिमा एंड एलजिन के पार्ट पर। बाबा एलजिन ने फातिमा को सेलर बेसमेंट में सेल के अंदर डाल दिया है जोर जबरदस्ती करके। और मैं आपको बता दूं, एलजिन काम कर रहा है किमिनो वुमन के लिए। और बाबा ये तो कंफर्म तो हो ही चुका है कि फातिमा प्रेग्नेंट है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो नॉर्मल है या मॉन्स्टर रिवील है। देखो जो फातिमा के बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं आफ्टर दिस प्रेगनेंसी, और वो रॉटन वेजीज खाने से, साफ इशारा यही जाता है या पता लगता है कि बाबा उसके अंदर नॉर्मल बेबी तो नहीं है। और यस, यही चीज ये दर्शाता है कि फातिमा मॉन्स्टर बेबी को जन्म देने वाली है। अच्छा, एक भाई का बड़ा प्यारा कमेंट आया था कि फातिमा शायद इस टाउन के सेवियर बॉय को जन्म देगी, जो शायद ये टाउन के कर्ज को खत्म करेगा आगे जाकर। इसलिए शायद दूर टाउन में इस सेलर बेसमेंट में छुपा के रखा जा रहा है फातिमा को, वो किमोनो वुमन और वो एलजिन के द्वारा, ताकि टाउन का कर्ज फातिमा पर और ज्यादा असर ना हो पाए। तो बाबा देखा जाए तो थ्योरी बढ़िया थी, पर ऐसा नहीं है, फातिमा मॉन्स्टर बेबी को ही जन्म देगी। अब सवाल ये आता है कि किमोनो वुमन का इसमें रोल क्या होगा। दूसरा, एलजिन ने फातिमा से ये भी कहा कि ये बेबी तुम्हारा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेबी किसका है और कहाँ बिलोंग करता है। सीधी सी बात है, मॉन्स्टर बेबी है तो ये ह्यूमंस को बिलोंग नहीं करेगा, यानी मॉन्स्टर क्रिएचर को ही बिलोंग करेगा। और किमोनो वुमन काम कर रही है मॉन्स्टर क्रिएचर्स के लिए, जिसका रोल बेबी की डिलीवरी करना होगा। और मोस्ट प्रोबेबली इस बेबी को किमोनो वुमन मॉन्स्टर क्रिएचर को ही देकर आएगी बाद में। बाकी पिछली 2-3 वीडियो में लगातार एक कमेंट जबरदस्त घूम रहा था कि फातिमा स्माइली मॉन्स्टर को जन्म देने वाली है। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, वो तो एपिसोड 9 के एंड या फिर एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में पता चल ही जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यस, मेरा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वहां से भी यही कन्फर्मली बात आ रही थी कि फातिमा शायद स्माइली को जन्म देने वाली है। इट्स ऑल थ्योरी एंड प्रिडिक्शन बाबा, सच हुआ तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। लेकिन इस बात की अगर सियोरिटी चेक करें तो एपिसोड 8 में सीजन 2 से रिलेटेड पास्ट कनेक्शन हुआ है, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि स्माइली सीजन 2 में ही देखने को मिला था। बाकी इस टॉपिक से जुड़ी और बातें हैं और थ्योरीज हैं तो वो लीक्ड मटेरियल और वो थ्योरी वीडियो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात करेंगे, जब तक हमें थोड़ा और डेटा और मिल जाएगा। बात करते हैं जूली के पार्ट पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहां जूली डंजन प्लेस में जाती है और वो खुद को रेंडल को एंड मिरिल को उन चेन में जकड़ी हुई पाती है जहां पर बॉयड ने भी देखा था, वहां उसने मार्टिन को भी देखा। और ये मंजर हमें सीजन 2 में 2 बार देखने को मिला है, जब बॉयड उस डंजन प्लेस के अंदर गया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्टिन कौन है आखिर, जो वहां चेन में बंधा है। वहां बंधे रहकर पहले तो बॉयड को डायरेक्शन दिया था, उसके बाद उसने वही काम जूली के साथ भी किया बॉयड को बचाने के लिए, यानी उसी चिमनी में उसे चिमनी से बाहर लाने के लिए जूली से रस्सी नीचे फेंकवाई थी और कहा कि जल्दी यहां से चले जाओ। और यही चीज उसने बॉयड से भी कही कि तुम यहां से जल्दी चले जाओ। तो मार्टिन ये बंदा आखिर है कौन और ये हेल्प ही क्यों कर रहा है, बीच बीच में दिखता है फिर गायब हो जाता है। जहां तक अगर माने तो मार्टिन भी एक सर्वाइवर ही लगता है, जो शायद इस टाउन में पहले आया होगा और रास्ता ढूंढते ढूंढते और फार अवे ट्री से निकलते वक्त शायद यहां आकर फंस गया होगा, जिसकी सोल को यहां कैद करके रखा होगा मॉन्स्टर क्रिएचर्स ने, बट बॉडी इसकी कहीं और होगी। तो मे बी इसको आजाद करने के पीछे भी टाउन के इस कर्ज को तोड़ने का राज छुपा हो सकता है इन फ्यूचर, जहां शायद इसकी बॉडी को ढूंढकर जलाया या मोक्ष की प्राप्ति करवाई जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यही चीज होती है रिचुअल्स एंड वो जादू टोना वाले हिसाब किताब में। बेस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर, इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे थोड़ा और डिग आउट करके। लेकिन इस पार्ट का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट यह था कि जब जूली उस केव में गई तो उसे 2 अलग-अलग टाइम पीरियड की आवाज सुनाई दी। एक विक्टर और टेविथा, जब वो दोनों उसी केव में जाते हैं और वहाँ टेविथा को आंकुई चिल्ड्रन पत्थरों में लेटे हुए मिलते हैं, और ये मंजर हमने सीजन 2 में देखा था जब विक्टर टेविथा को उस केव में लेकर जाता है, जहाँ वो टेविथा से ये भी बोलता है कि हल्ला मत करना, चुपचाप रहना इसके अंदर, और यही वॉइसेस सुनाई देती हैं जूली को और इसके साथ साथ हमने भी सुनी। तो ये तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, बट एक और टाइम पीरियड की आवाज़ सुनाई दी लास्ट में, जिसमें हेल्पलेस चिल्ड्रन चिल्ला रहे थे जैसे उन्हें बांधकर सेक्रीफाइस या उनकी बलि दी जा रही हो, और
और एक लेडी की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो या फिर उसके बच्चे को भी इस सेक्रीफाइस रिचुअल में इन्वॉल्व करा जा रहा होगा, जो कि उस लेडी की स्क्रीम से यही अंदाज़ा बैठता है कि उन चिल्ड्रंस को बचाने की कोशिश कर रही होगी वो लेडी। तो बाबा ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ थ्योरी है मेरे पास, उसके बाद कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि यहाँ जो आंकुई चिल्ड्रन हैं उनकी बलि दी गई थी ताकि टाउन के लोग इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर सकें, और उनसे कहा गया था कि पत्थरों में एक ऑर्डर में बच्चों को लिटाने से रिचुअल कम्प्लीट होगा, जहाँ वो पेड़ की जड़ों से बना साइन उनके ऊपर बनेगा और उन जड़ों का साइन उन बच्चों को आज़ाद करने से रिलेटेड भी है, जो कनेक्टेड है फार अवे बॉटल ट्री से। तो इस पार्ट पर प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि वहां से थोड़ा और डेटा मिल जाएगा हमको। लेकिन ये इमॉर्टेलिटी की बात में आकर टाउन के लोगों ने अपने बच्चों को उस रिचुअल में बलि देने के लिए तैयार हो गए थे, जहां मुझे अब एक थ्योरी को और ऐड करना पड़ेगा। कहा गया है कि टैबिथा इस टाउन में बहुत पहले से ही थी, और जब ये रिचुअल कंप्लीट करा गया था तब ये मौजूद थी वहां, और ये उन सबके खिलाफ थी, और टाउन के लोगों ने टैबिथा के बच्चे की भी बलि दी थी जोर जबरदस्ती करके, जहां मे बी बॉय इन व्हाइट टैबिथा का बच्चा हो सकता है, और क्योंकि वो उस समय भी उन बच्चों को आजाद करने के लिए साथ थी, शायद इसलिए टैबिथा चोजन है उन्हें आजाद करने के लिए, जिसका पुनर्जन्म हुआ है और बार बार वो टाउन के अंदर आ जाती है। दैट्स वाई कि वो इस टाउन से कनेक्टेड फील करती है, और इससे पहले उसने मिरांडा का जन्म लिया होगा बट वो फेल हो गई थी, तब उसके बाद अब टैबिथा का जन्म लिया है दोबारा से सेम टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जहां आंकुई का मतलब रिमेंबर मी, यानी क्या हम याद हैं तुमको, ये कोट करा जाएगा मे बी आगे जाकर। और बाबा जेड का भी कनेक्शन है, पर जेड का ज़्यादा डेटा नहीं है इससे रिलेटेड मेरे पास, इसलिए इसको अभी मैं मेंशन नहीं करने वाला हूँ। आगे थ्योरी ब्रेकडाउन वीडियोस में इसको भी पकड़ कर लाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो मिलेगा। बट हाँ, टैबिथा का कनेक्शन सेट होता है, इसलिए मैंने खुल के ये चीज़ बात बोली है, और इसका डेटा भी अच्छा खासा था, और ये कनेक्शन विक्टर के रिमेंबर वाले पार्ट से भी है, जो इस पर बात करने वाले। देखो, एक्चुअल में विक्टर ने याद कर लिया है कि उस दिन आखिर हुआ क्या क्या था, और उसे अभी तक भ्रम था कि जेस्पर क्रिस्टोफर से बात करता है, बट क्रिस्टोफर एक्चुअली बॉय इन व्हाइट से बात करता था, जो क्रिस्टोफर को रास्ता बताता है कैसे उन बच्चों को आजाद करा जाएगा और तुम सब लोग भी आजाद हो जाओगे, यानी इस टाउन का कर्ज टूट जाएगा और तुम भी चले जाओगे, जहां उसने ये मेंशन किया कि उन बच्चों को धोखा मिला उनसे, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और ट्रस्ट करते थे, और यस उनके माँ बाप से उन्हें धोखा मिला था, जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया। और लास्ट में विक्टर ने यह भी मेंशन किया कि जब क्रिस्टोफर बॉय इन व्हाइट की बात नहीं मान रहा था तब मैंने ये सब बात अपनी मॉम को बताई, यानी मिरांडा को, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो विक्टर ने यह भी कहा कि दैट्स व्हाई सी डिसअपीयर, क्योंकि उसकी मॉम फार अवे बॉटल ट्री में गई थी। तो विक्टर यह क्यों कहता था कि टाउन के फर्स्ट मैसेकर में उसकी मॉम मारी गई थी, और यहां उसने मेंशन किया कि फार अवे ट्री के बाद वो गायब हो गई। तो बाबा याददाश्त का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, विक्टर को और भी कुछ याद आना बाकी है अभी, जहां से शायद ये बात भी कंफर्म होते नजर आ सकती है कि टैबिथा का पुनर्जन्म हुआ है या नहीं, और टैबिथा कैसे कनेक्टेड है आंकुई चिल्ड्रन से, तो वो देखेंगे आगे एपिसोड में। बाकी इस पार्ट पर और भी ज्यादा बात करने के लिए थोड़ा डेटा और चाहिए होगा, तो बाकी की बात अब एपिसोड 9 के लिए प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में करेंगे। और कुछ लीक्स फुटेज भी आ रही है, तो शायद इस गुत्थी को और भी ज्यादा सुलझाने में उनसे थोड़ी मदद मिल सकती है। बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि इस टाउन को ये कर्स लगा कैसे, तो ये चीज़ आगे एपिसोड 9 में अगर मिल जाती है तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। अब बात सिर्फ ये करनी है कि इस कर्स को हटाया कैसे जाएगा, उनांकुई चिल्ड्रन को आज़ाद कैसे करा जाएगा, तो देखते हैं आगे थ्योरी प्रिडिक्शन वीडियो में कोई ना कोई हल या फिर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। बाकी लगाते हैं विराम यहां पर, मिलते हैं प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में। बाकी मेरी आप लोगों से शिकायत ये है कि आप लोग मेरी बाकी की वीडियो को भी सपोर्ट नहीं करते हो। अभी मैं मार्वल की कैप्टन अमेरिका ट्रेलर पर ब्रेकडाउन लाने वाला हूं, थंडरबोल्ट्स पर ब्रेकडाउन मैंने निकाल दिया है, और HBO मैक्स ने 2025 के लिए बहुत बड़ी लिस्ट जारी कर दी है बड़े बड़े कंटेंट की, जिसमें से अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल के बारे में भी बात करेंगे, जॉन सीना की पीस मेकर का सिक्वल आ रहा है उसको भी प्रॉमिस किया गया है, उस पर भी बात करेंगे, एंड उस लिस्ट में लास्ट ऑफ अस वेब शो का भी प्रॉमिस करा गया है। तो भाई बहुत है, बहुत कुछ है बात करने के लिए अभी। बाकी मैं पेंगुइन वेब शो खत्म हो चुका है उस पर भी बात करनी बाकी है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो बाबा सपोर्ट बनाए रखो, अभी बहुत कंटेंट आ रहा है, फ्रॉम जैसे धांसू धांसू कंटेंट लाइन पर लगे हुए हैं, इसके बाद हमें उन पर ही बात करनी है, उनको ही देखना है, तो बस एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो बने रहो, एक्टिविटी अपनी बनाए रखो, 2-3 दिन लगातार बहुत बड़े बड़े कॉन्टेंट रिवील आउट करने वाला हूँ। प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, और चैनल पर एक्टिविटी लगातार अपनी बनाए रखो। यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना।